हाँ जी, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है पेपर्स में, कॉम्पिटेटिव पेपर में, एग्जाम्स में। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। Now, what is the meaning of functional equation? ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, फंक्शन जो होता है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन दे रखी होती है जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हैव टू फाइंड द फंक्शन फ्रॉम देयर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप में जो होता है, डेरिवेटिव की टाइप में, वो ऑलरेडी हमने लास्ट पहले देखा था। अभी जो देख रहे हैं वो इंटीग्रेशन के टाइप में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से ये चीज समझाई जा सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या क्या डिफरेंट मेथड है जिससे हम अप्रोच कर सकते हैं फंक्शन ढूंढने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखो जरा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एफ वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यहां से फंक्शन निकालो। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स क्या। ठीक है, तो देखने में सबसे पहले नहीं पता चलता क्या अप्रोच किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे, राइट? तो क्या चीज़ है अभी, ठीक, कैसे अप्रोच करेंगे इसको, ध्यान से समझो। बहुत सिंपल है, अगर इसका हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो फिर बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने इंटीग्रेशन को इन दोनों पे सेपरेट आउट कर दिया, तो देखो दिस इंटू दिस एक्स वाई स्क्वेयर एफ ओ वाई डी वाई इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एफ ओ वाई डी वाई इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ओ एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो कि ये जो x है, ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं, कॉन्स्टेंट एक्ट करेगा। क्यों? विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट हो रही है। तो कहने का मतलब ये चीज है, इस वेरिएबल को मैं बाहर ला सकता हूँ, ऐसे सिमिलरली इस वेरिएबल को मैं बाहर ला सकता हूँ। तो देखो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 0 to 1, ठीक है, वाई स्केयर एफ वाई डी वाई माइनस एक्स स्केयर इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, और इधर आ जाएगा तुम्हारा वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई। अच्छा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो, तो जब भी मैं इधर पुट करूंगा उसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका इंटीग्रेशन करूंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, देखो इंटीग्रेशन करके मान लो कुछ आ गया। अब जब मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो वन जो भी वेरिएबल आएगा उसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, जो भी वेरिएबल आएगा उसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो एट द एंड बचेगा क्या मेरे पास? एक कॉन्स्टेंट ही बचेगा, उसमें वेरिएबल वगैरह तो बचेगा नहीं, क्योंकि ना इसके अंदर अब एक्स है, इसके अंदर टोटली वाई की फॉर्म में। अब ये अगर टोटली वाई की फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद तो टोटली वाई बचेगा ना, तो उसके अंदर जब मैं अपर लिमिट 1 पुट करूंगा वाई टोटली खत्म हो जाएगा, जब 0 पुट करूंगा वाई टोटली खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बचेगा क्या, एक कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इट इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट, एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है इट इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी विल अज्यूम इट टू बी लेट से कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स। जो हमारा फंक्शन है ना, जो हमें ढूंढना है, पहली बात तो ये हमें पता चला कि वो इस टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हुआ अभी तक? ठीक है, यस सर, राइट। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब हमने जिस चीज को ए लिया है उसको लिखते हैं। तो ए किसको लिया है, 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ओ वाई डी वाई, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं एफ ओफ एक्स दे रखा है, एफ ओ वाई निकाल सकता हूँ, तो एक्स की जगह वाई डाल दो, तो उस चीज को इधर डाल दो, क्या बन जाएगा, 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहां से ये तो इजिली निकल आएगा, क्या चीज जा रही है, देखो ये वाई क्यूब, तो वो बन जाएगा वाई की पावर 4/4 प्लस ये जा रहा है अगेन वाई क्यूब, तो ए इंटू वाई की पावर 4/4 माइनस बी इंटू वाई की पावर 4, तो ये बन जाएगा वाई की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1, 0 पुट करोगे लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 पुट करके क्या जाएगा 1/4 प्लस
ए बाय फोर माइनस बी बाय फाइव दैट इज इक्वल टू ए। तो ए एंड बी में एक इक्वेशन आ गई। और सिमिलरली जब मैं बी के लिए इवेल्यूएट करूंगा तो बी के लिए क्या आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन वाई डॉट एफ ऑफ वाई, ठीक है, डी वाई जीरो टू वन यहाँ पे वाई इंटू, फिर दोबारा वैल्यू पुट की वाई प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री प्लस ए वाई क्यूब बाई थ्री माइनस बी वाई की पावर ये आ जाएगा थ्री, तो फोर बाय फोर एंड अगेन जीरो टू वन। तो वन पुट करके क्या जाएगा, बी वुड बी इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस ए बाय थ्री माइनस बी बाय फोर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई साइमल्टेनियसली, सोल्व करके ए एंड बी निकाल लोगे वन एंड टू। नाउ सोल्व ए एंड टू साइमल्टेनियसली एंड ए एंड बी की जो भी वैल्यू आ रही कॉन्स्टेंट्स वो पुट कर दो, यू विल गेट द फंक्शन, बात खत्म, राइट। सो अगेन ये चीज के अंदर हमने कब अप्रोच कर पाए, जब बेसिकली इंटीग्रेशन जो भी हमें दे रखा है इक्वेशन के अंदर उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, वेरिएबल पार्ट टोटली बाहर ला सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस बताए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ अप्रोच। इसमें ध्यान से देख लो, कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो प्लीज, ये लो भाई। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये जो अभी सेकंड मैं एग्जांपल दूंगा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जांपल है एंड जनरली यही चीज कवर अप होती है। और क्या चीज है ये कि जिसके अंदर इंटीग्रेशन के, देखो सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो इंटीग्रेशन करके आ रहा है उसके अंदर जो लिमिट्स आ रही है दे आर दी कॉन्स्टेंट, लिमिट्स आर दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। बट अब जो आएगा उसके अंदर क्या है कि जो लिमिट्स हैं वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, ठीक है, जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल है, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है वो एक जीरो है एक एक्स है, तो एट द एंड कहने का मतलब ये चीज है कि ये चीज को इंटीग्रेट करके जो चीज मिलेगी अभी, राइट, वो अब एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी और वो कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, अल्जेब्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट। एंड उसके अंदर जब भी मैं अपर लिमिट एक्सपुट करूंगा तो सब कुछ एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यस इन दिस केस नाउ इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट इट्स अ वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या आएगा, कौन से फंक्शन का वेरिएबल होगा, टाइप का वेरिएबल होगा, वी डोंट नो येट, और हम वो चीज गेस भी नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को ये चीज जरूर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ए प्लस बी माइनस टी लगाऊंगा, राइट, तो ये चीज को जरूर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो से एक्स, अच्छा वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है तो टी के ऊपर लगेगा हमारा, तो टी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए प्लस बी दैट इज जीरो प्लस एक्स माइनस टी, इन ए वे टी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स माइनस टी, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर टी, तो आ जाएगा इंटू ई की पावर टी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स कटेगा तो आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन टी की हो रही है तो एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। देख रहे हो जिस फंक्शन की बात हो रही है, जिस फंक्शन को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर वापस से वही वाला फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमें मिल रहा है, राइट, वो वापस से वही वाला फंक्शन जो है हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में, अच्छा ये साथ में ई की पावर टी भी आएगा, एक चीज बोलिए ई की पावर टी एंड एक्स, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अब याद रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड एफ डैश एक्स
then integrate it to find f of x. ठीक, अब ये बड़ा अच्छा स्टेप होता है, लेकिन अगेन इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करने से पहले वी हैव टू डू द मैनिपुलेशन. ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहीं पे डिफरेंशिएशन कर दी, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, लेट सी कि क्या मेरे को कुछ मिल रहा है. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की तो क्या मिल रहा है, देखो एफ डैश एक्स दैट इज 2x प्लस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया. देखो हमारा डिफरेंशिएशन करने का मोटिव क्या था, डिफरेंशिएशन करने का मोटिव था कि ये जो इंटीग्रेशन वाली टाइप आ रही है, जो दिख रही है, वो खत्म हो जाए. जब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन का टाइप घटेगा नहीं. तो अगेन जो मेरा मेन मोटिव था वो सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, चलो करके देखते हैं. e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स इंटू एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इधर माइनस आ गया. ठीक, एंड ये जीरो से x e की पावर t f ऑफ t dt एज इट प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज. अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन में याद है न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम लगेगी, तो अपर लिमिट को पहले इधर सारा के अंदर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, e की पावर x f ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस जीरो करेंगे तो डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाएगा, तो खत्म होकर यही बचेगा. तो क्या बचा, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये टोटल चीज बची. अब ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो, मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखना एफ ऑफ एक्स वैल्यू यहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बात करता हूं. तो जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी. ठीक, तो ये पूरी की पूरी चीज इससे कटेगी, तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, बाकी दो, ये दोनों के दोनों का टर्म कैंसिल आउट हो गई. तो ये मेरा एफ डैश एक्स मिल गया. तो अगेन मैंने क्या बोला था, राइट, कि हमारा मोटिव क्या होता है कि एफ डैश एक्स निकालना डेरिवेटिव करके. देन अब देखो एफ डैश एक्स तो बहुत सिंपल आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल. अब इसका देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, टू टू कटेगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इधर जाएगा एक्स क्यूब बाय सॉरी इधर जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, सर वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर था, तो ये x³ by 3 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा. नाउ द ओनली मोटिव लेफ्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. ठीक है, अगेन अब c को कैसे ढूंढते हैं मैं वो थोड़ा सा बताता हूं. ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे पहले ये चीज चेक करो कि हुआ किया क्या हमने, अगेन डेरिवेटिव किया तो एक तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया, तो यहां पे uv रूल लगा जिसने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रूव कर दिया. ठीक है, अब देखो एक और मेथड है यहां पे जो हम सोच सकते हैं जो uv रूल को खत्म कर सकते हैं. ठीक है, वो ये चीज है, ध्यान से देखो. हाँ जी, देखो एक चीज ना समझने की कोशिश करो, यूवी रूल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यूवी रूल प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को, सॉरी. हाँ जी, तो यूवी रूल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट के कारण, ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट के कारण यूवी रूल यूज हो रहा है, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बचे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, ये e की पावर माइनस एक्स है ना, तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन जीरो से एक्स e की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक, ये लिखा इसको, अब e की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी. अब देखो, अब मैंने ये ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया सबसे पहले कि अब प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं, अब डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हट जाएगा. ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी स्टेप कर सकते हैं. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, वापस फंक्शन को यूज करके जो इंटीग्रेशन का चीज थी उसको हटाओ, और डायरेक्टली पहले प्रोडक्ट रूल को खत्म कर दो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करो. देखो क्या जाएगा, इधर ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इसका डेरिवेटिव, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. ठीक, दैट इज इक्वल टू इधर प्रोडक्ट रूल के कारण e की पावर x इनटू इधर आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर एज इट इज प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 से x यूज करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x f(x) और लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी. ठीक है, अब ध्यान से देखो,
हर एक टर्म में से e की बार x कटा पहले बार, ठीक, और ये फिर f of x कटा, f of x कटा, तो क्या आ गया, ये एक f dash x, तो f dash x की वैल्यू क्या आ गई, अगेन x square plus 2x, तो जो पहले मिल रहा था वही चीज इधर से मिल रही है, लेकिन थोड़ा सिंपलीफाइड वे से मिल रही है। हाँ जी, ये देखो ना, ये f of x नहीं काटते, ठीक है, नहीं काटते, पहले e की बार x कटा, अब क्या बचा हमारे पास, f dash x plus f of x that is equal to x square plus 2x, f of x, अब f of x कट जाएगा ना, तो f dash x की वैल्यू क्या आ गई, x square plus 2x, ठीक है, तो इस तरीके से हमें f dash x मिल जाएगा, तो जिस तरीके से हम इसको फिर से इंटीग्रेट करके इसको अप्रोच कर सकते हैं। Now the main motive left is to find the value of c. ठीक, अब c को ढूंढने के लिए we'll use the original equation. ठीक, बेसिकली देखो c को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दक्ष अपना प्लीज माइक ध्यान रखो यार प्लीज। हाँ जी, तो c की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली हमारे पास f of x क्या है, इसको इंटीग्रेट करके f of x is nothing but x cube by 3 plus x square plus c, राइट। अब अगर हमें कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए जहां से ये फंक्शन पास कर रहा है, राइट, तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे को अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पता चल जाए जहां से ये फंक्शन पास कर रहा है, राइट, तो अपना काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वो वाला पॉइंट इधर पुट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ सी, राइट। तो व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ सिंगल पॉइंट जहां से ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन पास कर रहा है। अब यहां पे देखो, अब अगर वो वाला पॉइंट मेरे को ढूंढना है तो इंटीग्रेशन की तो वैल्यू मैं ढूंढ नहीं सकता, लेकिन इंटीग्रेशन को खत्म जरूर कर सकता हूँ। अब ये वाला इंटीग्रेशन खत्म कब होगा, जब ये वाला जो वैल्यू है एक्स की वो बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट कर दिया, इसमें पूरा एक्स को जीरो पुट किया तो क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो is equal to, that is y is equal to f of 0, that is equal to, इधर 0 put किया, plus, इधर 0 से 0, अब definite integral के अंदर, अंदर जो मर्जी हो, लेकिन अगर limit 0 से 0 जा रही है, तो obviously इसकी value क्या होती है, 0, यानी कि यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो कहने का मतलब, ये y भी 0 है हमारा, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये दोनों को combine करूंगा, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये 0,0 से pass करता है, x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, तो इसमें मैंने 0,0 satisfy करा दिया, f of x is equal to x square plus x cube by 3 plus c, इसके अंदर 0,0 satisfy कराया, क्या आ जाएगा, 0 equal to 0 plus 0 plus c, indirectly c is equal to 0, तो c को 0 put किया, तो final equation क्या आ गई, therefore f of x is nothing but x square plus x cube by 3, so that is our final function, ठीक, तो please ध्यान से देखो starting से किस तरीके से हमने approach किया इसके अंदर, ठीक है। याद रखना जनरली जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक, जिनके अंदर जो लिमिट्स होते हैं वो वेरिएबल होती हैं, हम डेरिवेटिव करके उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ढूंढते हैं, देन वी डू द इंटीग्रेशन टू फाइंड द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को चेक करो, कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, या फिर अगर ऑल्टरनेट मेथड मिल रहा है तब भी बताओ, कोई दिक्कत। क्लियर है? Yes. चले आगे, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स की पावर that is equal to integration 0 से x f of t की पावर 199 डिवाइडेड बाय
टू प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक, क्या करूं सोचो। ध्यान से सोचना, ठीक है, कहीं डाउट आएगा तो प्लीज पूछो। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी प्लीज ध्यान से देखना। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 200 एफ ऑफ एक्स की पावर 199 इनटू एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये एक्स पुट किया तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर 199 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, और नीचे जीरो पुट करोगे तो ये जो भी जाएगा इंटू जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। देखो ये दोनों कटे, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या मिला, इट इज 1/200 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करके इधर एफ ऑफ एक्स इधर आ जाएगा 1/200 इंटू 1/√2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय रूट टू प्लस सी। राइट, अब अगेन स्टार्टिंग वाले स्टेटमेंट में x को जीरो पुट कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, दैट इज एफ ऑफ जीरो की पावर 200, दैट इज नथिंग बट जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली जीरो कॉमा जीरो से पास करो। राइट, तो वो इधर पुट कर दो, अगर जीरो कॉमा जीरो इधर पुट करोगे तो ये जीरो है तो ये पूरी चीज जीरो चली जाएगी, तो इधर भी जीरो, तो c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1/200√2 tan inverse of x by root 2 plus c, c तो आ गया नहीं, c की वैल्यू 0 आ गई थी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हां जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है इसमें। हां जी सर, जब हमने f of the x raise to power 199 दोनों तरफ से काटे थे तो सर हम इसके कारण 0 वाला केस नहीं ले सकते शायद? हां, मतलब दिया होना चाहिए था f of x is not 0, मतलब ये चीज है, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है वो, कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब इट्स नॉट लाइक इट इज वाई इक्वल टू जीरो, बेसिकली वो एक्स एक्सिस नहीं है, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ कि वो हर एक पॉइंट पे जीरो नहीं है, कहने का मतलब ये है। देखो ध्यान से समझो, फॉर ऑल का मतलब समझो। ओके ठीक है ना, हाँ एक पॉइंट पे तो हो ही सकता है। अब देखो नेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या चीज जा रही है, ठीक, मैं अगेन नीचे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, सेकंड क्वेश्चन में। हाँ देख, ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है, कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अपना इंटीग्रल इक्वेशन जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शन ढूंढने के लिए डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव किया तो क्या चला गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू जीरो का डेरिवेटिव जीरो, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वन को पुट किया इंटू डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट के लिए x पुट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक, इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको इधर लेके आए एफ ऑफ एक्स को मैं लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या मिला, that is equal to 2x over 1 plus x. अब इस चीज का डेरिवेटिव ढूंढना, that's it, half पे f dash x किया, जल्दी से इसी का ही कर लो और कुछ नहीं, का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1 plus x square into numerator का डेरिवेटिव that is 2 minus numerator into denominator का डेरिवेटिव वो भी 2x, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा,
It is twice of 1 plus x square minus 4 x square divided by 1 plus x square ka whole square. It is f dash x. ठीक, so that is nothing but f dash x. F dash चलो half निकालना, तो half पे value क्या आ जाएगी? 2 into 1 plus 1 by 4, so that is 5 by 4 minus 4 into 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4, so that is 5 by 4 का square, तो 25 by 6. तो ये 2 कटा, ये 2 आ गया, तो 5 by 2 minus 1 divided by 25 by 16, तो ये आ जाएगा 3 by 2 into 25 ऊपर 16, तो ये कटेगा तो 8 आ जाएगा, so that is 24 by 25, so 24 by 25 that should have been the answer. हाँ जी, clear हुआ, please confirm करो, बहुत simple question था, but yes, kind of ये equation use is a functional equation, integration, right? अब देखो third. थर्ड, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज है, ठीक है. इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज यूज होनी थी ना, वो था इस चीज का ग्राफ फंक्शन का, जो एरिया को निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है. अब एक्चुअली में इसका ग्राफ बहुत इजी है, ध्यान से देखो. ये एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस टू, सो दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस, ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, जीरो पे ये टच करके जाएगा, रूट टू पे एंड माइनस रूट टू पे ये कट करके जाएगा, ठीक है. जीरो पे अदरवाइज ये टच करके जाएगा, ठीक है. और एक्स की बार फोर का क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो अपवर्ड रहेगा. तो देखो कैसे बनेगा ये, ठीक है. अच्छा, इसका वीवी कप भी ढूंढ सकते हो, वीवी कप से एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव, यानी कि कहाँ पे अबव है, कहाँ पे बिलो है, ठीक. तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा रूट टू, ये माइनस रूट टू, ये जीरो, तो इस तरीके से जाएगा, इसकी ग्राफ प्लॉटिंग में कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ, ये बहुत हेल्प करेगा. हाँ जी, इसकी ग्राफ प्लॉटिंग में कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ प्लीज जल्दी. जीरो से माइनस टू रूट टू के बीच नेगेटिव है, ये वेवी कप ना लो ना इसका, तो वेवी कप जीरो जा रहा है, रूट टू जा रहा है, माइनस रूट टू जा रहा है, तो याद आएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद आएगा, ठीक है. तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो वेवी कप से नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इस पूरे फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव मतलब बिलो एक्स एक्सिस लाइन, ये चीज, ठीक है. क्लियर है स्तुति? यस सर. राइट राइट राइट, बाकी को क्लियर हुआ, ठीक. अब आगे देखो जरा, अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर वो इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, जीरो टू ए टू बी. अब ए टू बी के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो ध्यान से देखो कुछ ना कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव भी आ रही है, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो बाय द वे माइनस रूट टू से लेकर रूट टू के बीच में आएगी, क्योंकि टोटली नेगेटिव, तो इससे और नेगेटिव चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, तो वो वैल्यू को बढ़ा देगा, राइट. तो अगर सबसे कम वैल्यू चाहिए वो माइनस रूट टू से रूट टू के बीच बीच में होनी चाहिए सबसे पहला केस. तो ये आई थिंक यार यहाँ पे ना ऑप्शंस को कॉपी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, मैं एग्जैक्ट ऑप्शंस तुम्हें बता रहा हूँ. पहली ऑप्शन है माइनस रूट टू से लेके जीरो, सेकंड ऑप्शन है माइनस रूट टू से लेके रूट टू, ठीक है. ये जो ऑप्शन है दिस इज माइनस रूट टू से लेके रूट टू, ये ऑप्शन है तुम्हारी जीरो से लेके रूट टू, एंड ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज रूट टू से लेके माइनस रूट टू, ये उल्टा जी का तो कोई मतलब नहीं. चलो अच्छा नहीं, ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू है ना, ठीक है. तो ए की वैल्यू बेसिकली रूट टू आ रही है, बी की वैल्यू माइनस रूट टू आ रही है, नहीं छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटे जाएंगे, तो क्लियरली ये बी आंसर आ रहा है. क्योंकि देखो अगर मैं जीरो से रूट टू की बात करूंगा, तो जीरो से रूट टू की बात करूंगा, तो ये जो, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, राइट. तो कहने का मतलब ये जो एरिया है वही एरिया ये होगा. अब अज्यूम करो ये वाला जो एरिया है वो ए है, तो जीरो से रूट टू का जो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, दैट इज माइनस ए, क्योंकि एरिया नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस. ऐसे इसकी भी वैल्यू माइनस है. अब देखो इसकी वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू माइनस है, और माइनस रूट टू से लेकर रूट टू करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू माइनस टू आएगी, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और कम हो जाएगी. तो ये आंसर नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं आ सकता, ये तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, तो यही आंसर हमारा माइनस रूट टू से रूट टू, वो क्लियरली दिखाई देगा. तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता था तो इसका ऑप्शन को एनालाइज करना सीरियसली विद इन सेकेंड हो जाता है. क्वेश्चन समझ आया कैसे अप्रोच करना है इसको, प्लीज कंफर्म करो. यस दिया, क्लियर हुआ? yes, चिराग,
ठीक है ठीक है स्तुति हाँ जी बोलो तो मैंने किसी और तरीके से किया था पर मुझे लग रहा है मेरा मेथड ही गलत था नहीं देखो इसका एक्चुअल मेथड तो क्या है अगर आप स्टैंडर्ड मेथड यूज करोगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद आपको चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा जिसका सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा दैट वुड हैव बीन द आंसर हां जी बट मैंने बताऊं क्या किया उसने मिनिमम पूछा ना तो उसका मतलब तो एरिया ही होगा तो मैंने ए और बी की वैल्यूज ऑप्शन में से पुट करके देखा कि मतलब कब मिनिमम आ रहा है नहीं 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 वो गलत है अपने से ठीक है ठीक है विदाउट ग्राफ एक्चुअली हमें पता नहीं चलेगा कि यू नो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव मिनिमम वैल्यू आ रही है क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ऐसे बिना देखे नहीं पता चलेगा ठीक है तो ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते क्लियर हुआ ठीक है चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है तो ध्यान से करना ये भी सर हाँ जी सर मैं लेट हो गया था आज क्लास के लिए मेरी सुबह आईपी की क्लास थी हाँ मैं समझ गया एक सेकंड हो गया मेरे को कुछ क्वेश्चंस देने से पहले फिर मैं बात करता हूँ एक सेकंड ध्यान से अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चंस को ठीक है फॉन्ट में इतना ही रखूंगा बड़ा नहीं करूंगा अभी ठीक है और भी क्वेश्चन लिखने हैं ध्यान से करो अटेम्प्ट करते रहो स्टार्ट कर दो हाँ जी ये पांचों के पांचों क्वेश्चन प्लीज थोड़ा ध्यान से करना हाँ जी तो फर्स्ट क्वेश्चन में ठीक है अर्नब क्या किया सर सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड थीटा की ले सेकंड थीटा को टी तो 1/2 के तो पहली बार तो बाहर आ जाएगा ठीक है तो सेकंड थीटा को टी लिया तो सेकंड थीटा इनटू टैन थीटा वो डीटी चला जाएगा राइट तो वहां पे सेकंड थीटा की वैल्यू डाल सकते हो और टेन थीटा डी थीटा जो है वो डी टी चला जाएगा बिल्कुल सही ठीक है तो क्या किया हमने कि अगर मैंने सेकंड थीटा को टी लिया तो सेकंड थीटा इनटू टेन थीटा डी थीटा इज नथिंग बट डी टी और ये चीज तो टी है तो टेन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या चली जाएगी डी टी बाय टी ठीक तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा देखो 1/2√2 तो बाहर आ जाएगा ठीक 2√2 नहीं 1/2 k का अंडर रूट ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर आ जाएगा tan थीटा d थीटा ठीक है tan थीटा d थीटा चला जाएगा dt by t और नीचे आ जाएगा तुम्हारा रूट t ठीक तो नीचे बन जाएगा t की पावर 3/2 तो ऊपर आके t की पावर -3/2 ठीक है तो ये बन गया 1/2√k सॉरी रूट के अंदर ही है अच्छा ये बन जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 तो -1/2 तो टी की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 तो ये एक नेगेटिव आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा ठीक है अब टी को वापस सेकंड थीटा पुट कर दो एंड लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 3 दैट्स इट तो ये चला गया -2/2k अंडर द रूट अच्छा अब यहाँ पे चला जाएगा ये बेसिकली कॉस थीटा की रूट कॉस थीटा बन जाएगा ना तो रूट ऑफ
cos pi by 3 minus root of cos 0. ठीक है, तो क्या चला जाएगा जी, माइनस टू बाई टू के अंडर द रूट इन टू, अब cos pi by 3 कितना होता है तुम्हारा, cos 60 डिग्री इज 1 by 2. ठीक है, तो ये 1 by root 2 अंडर रूट के कारण, ये माइनस 1. मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा सबसे पहले देखो हमें किसके साथ कंपेयर करना है, ये हमें कंपेयर करना है 1 माइनस 1 बाय रूट 2 के साथ, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करके हमें सारी के सारी वैल्यू ढूंढनी है. और देखो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो पॉजिटिव वाली जो टर्म है वो हमारी 1 होनी चाहिए, तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके पॉजिटिव टर्म बनेगी, यानी कि माइनस 2 बाय 2 के अंडर द रूट इन टू माइनस 1 करूंगा तो दिस शुड बी इक्वल टू 1, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों कटे. ठीक, यानी कि 2k अंडर द रूट दैट शुड बी इक्वल टू 2, स्केयरिंग करके 2k दैट शुड बी इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए. ठीक है, k को इधर 2 पुट कर दो, ये वैसे कट जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा, तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए. हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो. तो यस सर, यस दित्य, क्लियर हो रहा है? साइन कोस भी नोट कर लिया, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, सही सेम हियर, साइन कोस में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि कॉस का मॉड, तो कॉस का मॉड देखो क्या जाएगा, एक ऐसा ऐसा ऐसा, ये जीरो से टू पाई मैंने बोला. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जीरो से पाई है. ठीक, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू इधर आएगी, पाई बाय टू से लेकर, राइट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स का डीएक्स, और जीरो से पाई बाय टू के बीच में तो ये पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटा दो. ठीक, अगर प्रॉपर्टी करके करना है तो प्रॉपर्टी से भी यही आएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो मॉड हट गया, मेरा मेन मोटिव था मॉड हटाना, मॉड हट गया क्योंकि जीरो से पाई बाय टू था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड आएगा. अब इंटीग्रेशन कर दो, अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें इसको ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x, तो इसको इधर लाके ये बन जाएगा तुम्हारा twice of integration of 0 से pi by 2 cos 3x plus 3 cos x divided by 4 dot dx. हां जी वासु बोलो सर, cos x dot 1 minus sin square x नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल. तो यहाँ पे 1 बाय 4 भी बाहर आया, तो ये नीचे बन जाएगा 1 बाय 2, और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाय 3 प्लस 3 sin x 0 से पाई बाय 2. अब पाई बाय 2 पुट किया तो ये आ गया 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 2 पुट करके sin 3 बाय 2 जाएगा, ये sin 3 बाय 2 माइनस 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 3 प्लस 3. ये आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके 0, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 9 8 8 बाय 3 8 बाय 3 इंटू 1 बाय 2 तो दैट इज 4 बाय 3. ठीक, तो डी आंसर. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर. यही आ रहा है? यस सर. हाँ जी, हाँ जी सुति. मॉड ना होता, क्या ना होता? मॉड ना होता कॉस के साथ. नहीं, समझ नहीं रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो? मॉड ना होता. अच्छा, मॉड ना होता तो फिर जीरो होता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो जीरो होता बिल्कुल. ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो जरा. तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो सब्रिट करके क्या जाएगा, देखो ये है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, ये जीरो, ये माइनस वन, ये प्लस वन. ठीक है, तो इसके बीच में अगर मैं क्विकली वैल्यूज निकाल रहा हूँ बॉक्स एक्स एंड साइन एक्स के बॉक्स की, इसके बीच में वैल्यू जाएगी तुम्हारी माइनस टू, इसके बीच में जाएगी माइनस वन, इसके बीच में जाएगी तुम्हारी वैल्यू जीरो. ठीक है, एंड इसके बीच में वैल्यू जाएगी तुम्हारी वन. ठीक है, ये आगे बॉक्स एक्स की वैल्यू. अब अगर मैं मोड साइन एक्स की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो वो तो इसके बीच में माइनस पाई टू से जीरो के बीच में होता है तुम्हारा माइनस वन, तो यहाँ पर भी माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस वन, और ये चीज यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो कॉम्बिनेशन बहुत इजीली बन पा रहे हैं हमारे, तो चार पार्ट्स बन जाएंगे हमारे. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस वन, ये चला जाएगा डी एक्स बाय इन दोनों का सम, दोनों का सम माइनस थ्री, माइनस थ्री और नीचे प्लस फोर करके, तो दैट इज प्लस वन, प्लस इंटीग्रेशन माइनस वन से जीरो डी एक्स बाय इन दोनों का सम माइनस टू एंड फोर, दैट इज टू,
प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 दोनों का सम 0 0 नीचे 4 तो dx / 4 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके पाई / 2 dx / इन दोनों का सम 1 और नीचे 4 है तो 5 आ जाएगा। हां जी चिराग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है तो इसका आंसर क्या जाएगा x माइनस पाई बाय टू से लेके माइनस वन तो माइनस वन माइनस ऑफ माइनस पाई बाय टू तो दैट इज पाई बाय टू माइनस वन। एक तो ये आ गया इसका वन बाय टू एक्स और लिमिट लग जाएगी माइनस वन से जीरो तो दैट इज वन बाय टू जीरो माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज वन बाय टू। ठीक ये अभी तक दो आए फिर यहाँ पे वन बाय फोर एक्स जीरो से लेके वन तो ये वन बाय फोर आ जाएगा और इधर वन बाय फाइव एक्स वन से लेके पाई बाय टू तो आ जाएगा 1 बाय 5 पाई बाय 2 माइनस 1। अब चारों को ऐड कर दो तो पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस पाई बाय 10 माइनस 1 बाय 5 तो एलसीएम क्लियरली जा रहा है 20। ठीक तो इधर आ जाएगा 10 पाई माइनस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 पाई माइनस 4 तो 12 पाई ये कटा तो माइनस 10 ये कटा तो माइनस 5 तो ये आ जाएगा माइनस 9 बाय 20 तो 3 आई थिंक कॉमन आ जाएगा तो 4 पाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है तो 3 बाय 20 3 बाय 20 4 पाई माइनस 3 3 बाय 20 4 पाई माइनस 3 बिल्कुल डी। समझ आया क्या क्या? बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है। हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है ध्यान से देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कोट को टेन में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया वन बाय टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन की पावर फाइव एक्स प्लस वन बाय टेन की पावर फाइव एक्स थ्री एक्स। ठीक है इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या चीज है पाई बाय फोर पाई बाय सिक्स पाई बाय। ठीक है अब देखो एलसीएम लेने के बाद ये 10 की पावर 10 हो जाएगा तो 10 की पावर 10x प्लस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर बेसिकली चला जाएगा 10 की पावर 5x dx। ठीक है और नीचे का आ जाएगा 2 sin x cos x तो नीचे cos x और ऊपर cos x ये 10x हो गया एक 10x कटेगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4x और साथ में secant square x dx और साथ में नीचे 2 आ जाएगा एंड 10 की पावर 5x का स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 ये हो जाएगा। ठीक है अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10 की पावर 5x को t ले लो तो अगला ऊपर न्यूमरेटर में dt चला जाएगा तो 10 की पावर 5x को t लिया तो 5 10 की पावर 4x इनटू secant square x dx इज नथिंग बट dt तो ये सारी की सारी चीज क्या चलेगी dt / 5 तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन dt / 5 और एक तो 2 है साथ में और t स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन की तो ये आ गया 1 बाय 10 tan इनवर्स ऑफ t। ठीक अच्छा t को वापस पुट कर दिया दैट इज 10 की पावर 5x लिमिट लगा दी पाई बाय 4 से लेके सॉरी पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4। ठीक है ये चीज तो ध्यान से देखो ये 1 बाय 10 ये चला जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 पुट किया तो ये तो 1 आ जाएगा ये तो 1 माइनस तो tan इनवर्स ऑफ 1 तो पाई बाय 4 हो गया तो ये पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्लियर हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन लेकिन अप्रोच इंडेफिनेट इंटीग्रल का इसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं लग रही। ठीक है तो यस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के जिनके अंदर हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा ये भी चीज दिमाग में रखना। सर इस क्वेश्चन में sin 2x को डायरेक्टली 2 tan x / 1 + tan square x वो भी कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है वो डिनोमिनेटर 1 + tan square x secant square x बन जाएगा तो डायरेक्टली हमारा फिर अप्रोच हो जाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि अगेन ये जो आ रहा है पाई बाय एक्स बाय पाई इसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है अच्छा एक सेकंड ध्यान से देखो अगर मेरी एक्स इज लेस देन टू ग्रेटर देन माइनस टू
डिवाइडेड बाय पाई किया, डिवाइडेड बाय पाई किया, डिवाइडेड बाय पाई किया, राइट। तो टू बाय पाई जो होगा ये तो फ्रैक्शन होगा, ये माइनस वन से छोटा है, ये माइनस वन से छोटा है। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे कहीं पे रहेगी, माइनस टू बाय पाई से लेके टू बाय पाई, राइट। तो इसके बीच में ये चीज तो फ्रैक्शन होती है, तो जीरो के बाद देखोगे तो इसका वैल्यू जाएगी बॉक्स की जीरो, इसके जाएगी माइनस, ठीक है। तो इसको मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूँ दो पार्ट्स में, दैट इज माइनस टू से जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके टू। अब माइनस टू से जीरो के बीच में ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस हाफ, तो दैट इज माइनस हाफ। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। तो माइनस टू चला जाएगा, ठीक है, ये चीज एंड डी एक्स, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ये चीज जीरो पर चली जाएगी, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया, प्लीज कंफर्म कर। स्तुति, दिया क्लियर हो रहा है, दक्ष, काव्या, ये सर अब कॉस करा रहे हैं, राइट। अब तो डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो, राइट, तो हो जाएगा, राइट। तो टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स dx इंटीग्रेशन माइनस टू से जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टू वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। इधर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन टू एक्स बाई टू माइनस टू से जीरो प्लस इधर आ जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई टू जीरो से लेके टू। अब देखो जीरो पुट किया तो ये सारा का सारा जीरो, माइनस माइनस टू पुट किया तो माइनस ऑफ माइनस टू कितना आ जाएगा तुम्हारा टू प्लस साइन ऑफ माइनस फोर बाई टू प्लस टू पुट करके टू माइनस साइन फोर बाई टू जीरो पुट करके जीरो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस टू प्लस टू कटेगा, राइट। एक सेकेंड, ये जीरो तो नहीं बन रहा, जीरो आना तो नहीं चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो आज जो तुम्हारा होमवर्क है वो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा लेवल के, तो थोड़ा दिमाग लगा के करने हैं, ठीक है। चलो वी आर डन, ठीक है, थैंक यू।